हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे हैं सर? साइंस में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वो फोर्स और प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो फोर्स में कौन सा पढ़ रहे हैं सर? दो गो टाइप का फोर्स होता है सर, एगो कॉन्टेक्ट फोर्स सर, एगो सर जो छूने से लगे। जैसे हमको बाबू मान लो ये डब्बा को ढकेलना है, ये डब्बा को ढकेलना है, तो इसको छुओगे टच करोगे तब ना ढकलाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट हो गया, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक। एगो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या सर? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या सर? जैसे ऐसे था सब गिरे पे करता, जैसे ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट एक दूसरे को बाबू है ना ये करो, तो यहाँ बाबू कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी बाबू आगे बढ़ जाएगा, है ना? फिर भी बाबू क्या बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना? फिर भी क्या होगा बाबू? आगे बढ़ जाएगा, है ना? तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ऐसे तो इसको नहीं ना कॉन्टेक्ट हो रहा है कहीं दूर दूर तक जी, कभी देखो एकदम बीच में गए लेकिन आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो बीच में कुछ हो ना, बीच में कुछ आगे बढ़ रहा है ना, तो बिना कॉन्टेक्ट हो गए तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं सर? ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाबू, है ना? जैसे बाबू ये आपको स्केल वाला बाबू रब, ये हेयर पे रब कीजिए, है ना? तो जो स्मॉल पीसेस ऑफ ये थे बाबू, है ना, कागज का जो छोटा छोटा वो क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है सर? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। तो उसी में नेक्स्ट जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये क्या है सर? ये क्या है? कुछ नहीं है, एल के जी वाला चीज है। नेक्स्ट जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आता है वो कौन सा है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको समझना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। हम मन से पढ़ना लक्ष्मी, ऐसा पढ़ना बाबू धर्मवीर को, ओमवीर को, कोई भी वीर रहे बाबू, सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाना लक्ष्मी। ठीक है लक्ष्मी? लक्ष्मी ए भोली मेरी कहाँ गई लक्ष्मी? ना सर बोलिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ बाबू लक्ष्मी नहीं बोलिएगा बाबू, लक्ष्मी ना बोलेगी आज भाई, नहीं म्यूट हो रहा बाबू, म्यूट नहीं हो रहा, बोलिएगा। कैमरा डाउन कीजिए लक्ष्मी, बोली ए लक्ष्मी बाबू कैमरा डाउन करो ना, थोड़ा सा फेस नहीं दिख रहा स्टार्ट कीजिए ना। है। चलो ठीक है, आकांक्षा का तो स्पेशल खाई टाइम है बाबू। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो समझना, समझना है। आपके यहाँ पैसा भेजें। हाँ बाबू आ गया। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बाबू, तो यहाँ से समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाबू दो तरह से बनाओ, दो वर्ड से मिलकर बना। इलेक्ट्रो है ना बाबू, इलेक्ट्रो प्लस क्या सर? मैग्नेट। इलेक्ट्रो प्लस क्या सर? मैग्नेट। मतलब बाबू इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करेंट के द्वारा आपको क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। शांति समझना है ना। देखो मैग्नेट हमारे पास बाबू दो तरह के होता, एक बाबू ई वाला मैग्नेट, तो ये वाला जो मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, रिंग मैग्नेट है। हाँ रिंग मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट है। ठीक ठीक बाबू। एक मैग्नेट, एक तरीके से और हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, एक तरीके से और मैग्नेट बना सकते हैं, है ना? तो जो तरीके से मैग्नेट बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेट। कैसे बनाएंगे सर? शांति समझना बाबू लक्ष्मी, है ना? ऐसे बाबू धर्मवीर होंगे किसी को नहीं आता। जैसे मान लो बाबू ये ले लो, नेल ले लो, ये क्या नेल है? इस पे बाबू वायर लपेट दो, अभी इसका वीडियो आपको दिखा, वायर लपेट दो, है ना? वायर लपेट दो। ठीक, जैसे इस पे वायर लपेट दो और इसमें बैटरी से वो कनेक्ट कर दो, तो उसके बाद ये जो नेल है ना बाबू, ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा। कैसे बनेगा? चुंबक की तरह बिहेव करेगा, है ना? तो ये बाबू पहले ये क्या था, इसमें बाबू मान लो छोटा छोटा कील अभी चिपका होगा शैतान, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, है ना? एक्सपेरिमेंट करके देखना, देखो दिखाते हैं ना बाबू, दिखाएंगे कहाँ से शैतान है ये नहीं तो। जैसे मान लो बाबू छोटा छोटा कील चिपकाना, छोटा छोटा कील चिपकाना बाबू, है ना? छोटा छोटा कील चिपकाना। वीडियो दिखा रही है। हाँ वीडियो दिखाते, वीडियो दिखाते। देख ये बाबू क्या है, एक नेल है बाबू, इसमें बाबू यहाँ पे क्या छोटा छोटा कील है, देखो क्या किया जाता है ना। अरे शैतान ठीक जा रहा। तो बाबू जब अभी ये कील को चिपकाओगे ना वो तो नहीं चिपकेगा, लेकिन बाबू इसमें क्या करो, वायर वायर को टर्न कर दो और एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दो, तो अब ये जो कील है ना बाबू मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो यहाँ जो बाबू इलेक्ट्रिसिटी से ना मैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेट। कितना वाट का बैटरी सर? ठीक है ना, बैटरी बाबू जो आप लोग को सेल वाला होता है वो टॉर्च वाला होता है ना, वही यार 1.5 या फिर 9 वोल्ट का। अरे बाबू कोई भी बनाओ ना, देखो ना दिखा रहा है ना, कोई भी यूज कीजिए बाबू। ज्यादा पावर का यूज कीजिएगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, कम पावर वाला यूज कीजिएगा तो वीक मैग्नेट होगा, है ना? ठीक। तो वैसे मैग्नेट हम लोग क्या कहें, मतलब वैसा मैग्नेट बाबू जिसको करेंट की सहायता से बनाएंगे ना। इलेक्ट्रो मतलब क्या? वीडियो दिखा लीजिए। अरे शैतान रुको ना, इलेक्ट्रो मतलब क्या बाबू? इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट से जो मैग्नेट बनेगा ना उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेट कहेंगे। और उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। उसके क्या क्या कहेंगे सर? किसी आयरन के पीस को चार्ज कर देंगे तो वो मैग्नेट जैसा एक्ट करने लगता है। हाँ मेरे यार रुको 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 रुको, देखो ठीक है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रिक करेंट से जो मैग्नेट बनाए वो दैट इज कॉल्ड वो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट इज कॉल्ड वो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना।
और ज्यादा कुछ नहीं इसमें किया गया, आपको दिखा देते उसके बाद लिखा देंगे, है ना, इसमें ज्यादा नहीं है पढ़ना, तो बहुत डिटेल से पढ़ना, लेकिन हम लोग क्लास 8 तक के सिलेबस मैक्सिमम कवर करेंगे, है ना, जिसमें 9 में पढ़ना है सुबह आ जाए। ट्राइपॉड भी हटाना पड़ेगा। ठीक, देखो बाबू मोटर 9 वोल्ट का लगता है बैटरी। अरे नहीं बाबू, आप लोग वो बड़ा वाला जो टॉर्च पहले यूज होता था वो पापा जैसे पूछेगा, है ना, वो सेल है। आप लोग बाबू इसके जगह 9 वोल्ट वाला भी सेल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या सर, हमें सेल देखे हैं। हाँ बाबू देखे, बड़ा वाला टॉर्च में रहता था ना पहले, जो शादी भी हमें यूज करता था। ये क्या वो एक नेल है, इसमें क्या करेगा अभी बाबू, ये चुंबक की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, शांति समझना। अभी ये जो कील है बाबू, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक। जैसे बाबू इसमें करंट पास करे, वो इसमें वायर पहले क्या करेगा, वाउंड करेगा, इसमें वायर लपेटेगा और उसके बाद इसको सेल से कनेक्ट करेगा जो ये हैंड में लिए हुए है ना बाबू। और उसके बाद बाबू इसके पास क्या लगेगा, छोटा छोटा कील लगेगा, तो देखो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कील आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो देखिए है ना, देखिए वायर को हटा देंगे तो मैग्नेटिक नहीं वो खो देगा मैग्नेटिक, अरे मैग्नेटिक को पढ़ेंगे हम लोग। लोहा कटा दे। हाँ लो, अरे बाबू ये कॉपर वायर है ये बाबू, आप लोग दीवार में किल नहीं ठोक जाती करते बाबू, नहीं करते, वही किल है। कॉपर वायर टेम्पररी मैग्नेट रहेगा। हाँ टेम्पररी मैग्नेट रहेगा, ठीक। ये बाबू सिर्फ कॉपर वायर से ही चिपकता है। नहीं अरे बाबू करंट जो जिस बार में का एल्युमिनियम वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक। तो देखो वही कर रही है ना, एक नेल पे बाबू कॉपर वायर टर्न का, आप एल्युमिनियम का वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो टर्न कर ली बाबू, है ना, ये सब आप लोग घर में कर सकते हो। देखो क्या किया, नेल पे बाबू कॉपर वायर ये टर्न कर लिया ना इस तरह से। अब इसका 2 टर्मिनल है बाबू, 1 टर्मिनल इधर 1 टर्मिनल इधर, है ना, 2 टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करेगी, ठीक, सेल से कनेक्ट करेंगे, है ना बाबू। ये सब आप लोग घर में खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 9 वोल्ट का होगा तो ना सर बैटरी, सिर्फ 9 वोल्ट का ही बैटरी चलेगा। अरे बाबू आज 12 वोल्ट का भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है सर, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। हाँ देखो बाबू ये 2 टर्मिनल हो गया अति का वायर का, दोनों से कनेक्ट की। अब ये बाबू क्या हो गया, अभी जो आयरन नेल था बाबू, अब ये मैग्नेट बन गया। अब इसको बाबू जैसे आयरन पीस के पास लाएगा ना, छोटा छोटा किल के पास, तो इसमें ये हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा। देखिए सर बॉक्स में आयरन फिलिंग्स रखा। हाँ ये आयरन 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 नेल है, वो आयरन नेल है, छोटा छोटा किल नहीं बाबू, आप लोग पेपर क्लिप है ना, पेपर क्लिप है। तो देखो जैसे बाबू पास लाएगा, इसमें ये पेपर क्लिप क्या होगा, उस पर चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक तो जल्दी, अच्छा ठीक है समझ गया, जल्दी अब फर्क है, बहुत समझा रही है सर। हाँ बहुत समझा रहे बाबू, बहुत समझा रहे, क्या करें। देखो नजदीक ला रहा बाबू, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करंट फ्लो होगा ना वैसे वैसे, देखो इसमें चिपकना शुरू, चिपक गया। तो पहले ये बाबू इसमें नहीं चिपक रहा था, लेकिन बाबू जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, चिपक रहा है ना। तो अब इसमें बाबू चिपक गया, तो बाबू कोई भी आयरन का टुकड़ा बाबू तभी चिपकेगा जब वो क्या रहेगा, मैग्नेट में ही बाबू आयरन का टुकड़ा चिपकता है, ऐसे नहीं चिपकेगा। तो अब ये जो बाबू जो कील था, जो ड्रिलिंग कील था, ये क्या बन चुका, मैग्नेट बन चुका। तो ये बैटरी के द्वारा इसमें करेंट फ्लो हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक करेंट के द्वारा ना मैग्नेट बना बाबू, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेट। और इलेक्ट्रो मैग्नेट बाबू इसको चिपका लिया अपने में, एक फोर्स से अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। जैसे आप स्वाति को पकड़ो, कुछ नहीं बाबू, तो स्वाति है, पकड़ के उसको खींच लो तो वहां पे एक फोर्स लगाओगे। तो उसी प्रकार बाबू ये क्या किया, जो कील है बाबू, कील इसको क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो ये क्या किस जिस फोर्स से किया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे बाकी, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इधर भी चिपक रहा है ना, इधर भी चिपक रहा और उधर भी चिपक रहा, चिपक गया है ना बाबू। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ बाबू इसके पोल पे ये चिपक रहा है, सेंटर में नहीं चिपक रहा सेंटर। अरे बाबू मैग्नेट के बाबू जो पावर होता है बाबू, टर्मिनल पे भी होता है, अभी आपको दिखाते हैं ना, दिखाते हैं मैग्नेट बात, सेंटर में बहुत कम पावर रहता है मैग्नेट के बाबू, नॉर्थ और साउथ सर मैक्स पावर पोल्स में रहता है। हाँ पोल्स में होता है, इसलिए पोल्स में चिपके बाबू, है ना, ये एक इधर पोल हो गया, एक इधर पोल हो गया।
चार्ज नहीं है, मैग्नेट है बाबू, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट सही, मैग्नेट है सर, बैटरी मैग्नेट, हाँ बैटरी से मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाए थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट दो तरह के, वो अभी जो आप रिंग मैग्नेट वो परमानेंट होता है, इसको जैसे बाबू छोड़ देगा ना तो ये क्लिप क्या होगा, डी मैग्नेट बन जाएगा, इसको छोड़ देगा वो भी परमानेंट नहीं है, हाँ ये परमानेंट नहीं, इसको छोड़ देगा तो देखो सारा का सारा क्लिप गिर गया है ना, तो सर आप जो रिंग मैग्नेट दिखा वो भी परमानेंट नहीं होता सर। अरे बाबू वो परमानेंट मैग्नेट होता है सदा, उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो अलग बात है बाबू, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट, जब तक करंट फ्लो होगा बाबू इसको मैग्नेट कहेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको मैग्नेट नहीं कहेंगे, इसको मैग्नेट नहीं कहेंगे। एक कंपास लिया गया, क्या लिया गया, कंपास लिया गया, तो कंपास के नजदीक में मैग्नेट लगा तो क्या करेगा, कंपास रोटेट करेगा, देखो वो मैग्नेट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके नजदीक लाएगा इसका नीडल, देखो डिफ्लेक्ट करेगा, नीडल क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट कर रहा है ना बाबू, ठीक है ना, रिपेल कर, हाँ बाबू डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपेल अट्रैक्ट जो भी रहा है ना, इसका नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और जिस फोर्स से बाबू ये डिफ्लेक्ट करा उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया सारे को बाबू, समझी सपना, रौनक समझा बाबू कि नहीं समझा, रौनक यस सर समझा, रौनक कि नहीं बाबू, रौनक नहीं समझे बाबू, समझ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नेक्स्ट बाबू, ठीक था, यही आपका क्या था बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, यही क्या था बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, बाकी कुछ नहीं इसमें ज्यादा कुछ है ना, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखा लेते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बाबू, ठीक, चलिए बाबू, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इसको थोड़ा सा डिफाइन हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, है ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझना, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हमको क्या पढ़ना, फोर्स पढ़ना ना बाबू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अरे मेरे शैतान, जैसे ये वाला जो मैग्नेट है बाबू ये परमानेंट मैग्नेट है, ये बाबू इसकी शक्ति को बाबू ना ही घटा सकते ना बढ़ा सकते, अगर इसको जब तक नहीं पटको बाबू है ना, तो ये बाबू क्या होगा, इसका जो जितना शक्ति उतना ही रहेगा, आप पटक दोगे किसी का मर्डर कर दोगे तो बातें अलग है ना, तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट है ना, परमानेंट पटक दोगे तो ही तो आप ही हो बाबू, आपको कोई मर्डर कर दे तो उसका तो फिर बातें अलग है, ऐसा जब तक जीवित होगा कहोगे ना कि हाँ सर अभी 50 साल हम और बचेंगे, जैसे मेरा एज है तो मान लो 25 साल हुआ तो हम कहेंगे ना कि 25 साल और बचेंगे बाबू, अभी जी में बाबू 30 साल में कोई मर्डर कर दिया तो उसका बातें अलग है, तो वो इसी पर, ठीक है ना, उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार ये क्या परमानेंट मैग्नेट है, अब बीच में इसको पटक दोगे तोड़ दोगे फोड़ दोगे तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, खत्म होगा, लेकिन नेचुरली ये क्या परमानेंट मैग्नेट है, और जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेट बनाते हैं वो क्या होता है, टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, वो क्या होता है, टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, क्या होता है, टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है ना, टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है ना, तो हम लोग मैग्नेट को टेम्प्रोरी फोर्स है, हाँ ये इलेक्ट्रिक वाला का टेम्प्रोरी होगा, इलेक्ट्रिक वाला का टेम्प्रोरी, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ना मैग्नेट बनाया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करंट के द्वारा मैग्नेट बना दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और जिस फोर्स से बाबू ये किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, और कुछ नहीं, एल के जी है ना, एल के जी लिखे द फोर्स, लिखे इसको डिफाइन करो, द फोर्स बाबू बिट्टू को म्यूट करने के लिए बोलिए, बिट्टू म्यूट कीजिए बाबू, पानी मांग रहा, द फोर्स बाबू अराइजिंग फ्रॉम द बाबू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता, फ्रॉम द बाबू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन associated with electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कौन खोज किया था सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बाबू देखिए कौन किया था, फराडे किया था, कोई किया था लग रहा है, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, फराडे किया था बाबू है ना बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सर मिकल फराडे,
हाँ माइकल फैराडे। आगे बाबू आप लोग को पढ़ना है बाबू, ठीक है ना, अति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10 में जाओ ना तो पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, उसके पहले ही हम लोग पढ़ चुके होंगे 10 से जाने से पहले। ये तो अभी आपको हम फोर्स प्रेशर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जितना डिफिनेशन है हम लोग डिफिनेशन ही कवर करेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाबू कैन बी बाबू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों हो सकता है। कैन बी बाबू अट्रैक्टिव सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नॉर्थ साउथ पोल होता ही होगा ना? हाँ बाबू, उसका भी नॉर्थ साउथ पोल होता है बाबू, कोई भी बाबू मैग्नेट रहेगा उसका दोनों पोल होता है नॉर्थ। हर मैग्नेट का सर, बहुत छोटा मैग्नेट का भी बाबू, बिना पोलरिटी के मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट इज बाबू लॉन्ग रेंज फोर्स, यह लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता सर। दूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाबू कैन बी अट्रैक्टिव बाबू और रिपल्सिव, हाँ रिपल्सिव कैन बी अट्रैक्टिव बाबू और रिपल्सिव। कैसे बनाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ मत करना, अगर बनाना रहेगा वो तो कैसे बनाना, एक की ले लेना मेरे बाबू इस तरह से, है ना? ठीक सर, ये आपका कील हो गया, इस पे क्या करना, वायर को बॉन्ड कर देना। जानवी दास इधर बाबू, खूब ये की है, क्लास एब्सेंट की है, गर्मी का छुट्टी का खूब फायदा उठाइए। ठीक, ये बाबू क्या किया, इसमें वायर बॉन्ड कर दिया, है ना सर? और इसको किससे कनेक्ट कर दो, कोई बैटरी से कनेक्ट कर दो, आयरन वायर। हाँ बाबू आयरन वायर, कॉपर वायर। ये बाबू आपका एक नॉब होता है बैटरी में, देखिएगा बाबू दिखाते भी आपको, एक साइड नॉब होगा जिधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक साइड निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ बाबू दिखाते सेता। नेक्स्ट, तो इधर से करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, इधर से करंट आएगा। जैसे यहाँ पे बाबू पेपर क्लिप रखोगे, है ना, पेपर क्लिप रखोगे बाबू, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो क्या फर्क पड़ता, तो छोटा छोटा नेल नहीं ले सकते हैं? हाँ मेरे लाल कुछ भी लीजिए ना, वो क्या फर्क पड़ता, आयरन का होना चाहिए। ये पेपर क्लिप जैसी रखोगे बाबू सर, एल्यूमिनियम कॉपर का नहीं चलेगा, सिर्फ आयरन नेल कैसे बनाए? अरे ये सर मेरे नेल एक लाइन लो, इधर बना दो, हो गया। नहीं सर वो नेल नहीं सर, वो नेल ये बाबू, इसको इसको बनाने में क्या बाबू, इतना अच्छा आप लोग ड्राइंग करते बाबू अलीसा, बताइए। एक ऐसे सर, एक इधर से ऐसे सर, ऐसे सर एक लाइन ऐसे खींच दो, क्या दिक्कत है सर? ठीक है सर, अपनी उठो कर, हो गया आपका नेट, इसमें दिक्कत क्या बाबू? ठीक है सर, लिखिए बाबू। सर हम उस क्लास में ना अब्सेंट रहेंगे। कहाँ है, कहाँ जा रही हो? सर कहीं नहीं जा रहे, मेरे घर में लाइन कटा हुआ इसलिए तो अंधेरा में पढ़ रहे हैं। ये हो गया आयरन नेल, ये हो गया आपका सेल या बैटरी, तो 7:30 से 8:30 रहोगी बाबू। लॉन्ग रेंज कैसे हुआ सर? सर इसमें तो बहुत करीब की लिया सर, तो हुआ ना? बताते बताते मेरे लाल, ये हो गया पेपर के लिए, चलो ये आपका हो गया वायर, है ना, और ये आपका बन गया करंट फ्लो होने के बाद बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर जितना ज्यादा कॉइलिंग और वोल्टेज रहेगा उतना रेंज बढ़ेगा ना? हाँ बाबू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, इसमें जितना ज्यादा टर्न कर दोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, वो सब हम लोग कवर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करके एक चैप्टर है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। सर आप पहले इलेक्ट्रिसिटी बैच में पढ़ा दी। हाँ बाबू, अरे फिर से पढ़ा देंगे, रिविजन हो जाएगा, दिक्कत क्या, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं है, ये फोर्स प्रेशर चैप्टर है ना, तो इसमें फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट हो, जल्दी लिखिए, हाँ हर्षिता 7:30 से 8:30 रहोगी ना हर्षिता? नो सर, लाइटें कटा हुआ है बाबू सर, मैं रहूंगा। हाँ
चलो लिखो 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 लिखे 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 सर देख लीजिए। हाँ हर्षिता बाबू चलो ठीक है। इन्वर्टर नहीं बाबू हर्षिता? नो सर वही तो प्रॉब्लम है, मम्मी अभी लाई नहीं। अच्छा ला देगी ला देगी, रोइए मत। सर अब हम लोग का ना शुरू होगा। हाँ बाबू बाय बाय बाबू बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर उम्र चेक कर लीजिए। अच्छा कर रहे हैं कर रहे हैं।